छह महीने का मासूम रो रहा था और मां ने सुसाइड नोट लिखकर खत्म कर दी जिंदगी। यह घटना वरुणरा की दर्शाई जा रही है। शहर के मनीजा इलाके में स्थित वुडाना मकान में रहने वाली विवाहिता ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। दूसरे कमरे में उसका बेटा छह महीने का रो रहा था। विवाहिता ने जब यह कदम उठाया तो उसका पति काम पर चला गया था, घर पर माँ और बेटे ही थे। मिली जानकारी के मुताबिक दो साल पहले ही हुई थी शादी। मूल रूप से राजस्थान के राजेश राजपूत से शादी दो साल पहले ही अंजू के साथ हुई थी। राजेश रोजगारी करता है। बुधवार को जब वह काम में 8:30 बजे निकला तो इसी दौरान उनका बेटा और उसकी माँ घर पे ही थे। इसके बाद अंजू ने घर के अंदर कपड़े सुखाने वाली रस्सी से फांसी लगा दी। जब राजेश घर लौटा तो घर के अंदर बच्चा रो रहा था और दूसरे कमरे में उसकी पत्नी की लाश लटकी हुई थी। अंजू ने सुसाइड नोट में लिखा था कि जिसमें जिक्र किया गया है, मैं अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही हूँ। मेरे पति का कोई कुछ ना कहे, वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। मैं जीना नहीं चाहती, इस बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे। पति को संबोधित करते हुए उसने कहा कि अच्छा लगे तो रख लेना, खराब लगे तो फेंक देना। तुम जिंदगी में खुश रहो, कभी ऐसा मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मेरा भुवनेश तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगा। हमेशा उसकी देखभाल करना और उसे अच्छी नौकरी में लगाना। सुसाइड नोट में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह कदम अंजू ने क्यों उठाया है। मकरपुरा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।